बारी यूथ क्लब द्वारा 5 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के गांव की लगभग 10 टीमें भाग ले रही हैं। बारी यूथ क्लब के प्रधान अजय शर्मा ने बताया कि बारी यूथ क्लब द्वारा गांव में छुपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए पहली बार कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम को 4500 रुपये और उप विजेता टीम को 2100 रुपये इनाम की राशि दी जाएगी। इस कबड्डी टूर्नामेंट में नवाही वार्ड से जिला परिषद सदस्य मुनीश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पधारे। मुख्य अतिथि ने आयोजकों और बच्चों को इस प्रकार के खेल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से गांव के अंदर छुपी प्रतिभाओं को सही मंच मिलता है और अपनी प्रतिभा निखारने का मौका भी मिलता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि उन्हें नशे से दूर रहकर इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने इस कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बारी यूथ क्लब को अपनी तरफ से 2100 रुपये की धनराशि उपहार स्वरूप दी। इस मौके पर अनिल कुमार, अजय शर्मा, ऋषभ शर्मा, मनीष कुमार, सुरजीत सिंह, विवेक कुमार, प्रणव कुमार, जतिन शर्मा, उदय शर्मा, सुनील चौहान, उदय ठाकुर उपस्थित रहे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।